नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। ये साल 2019 का पहला प्रादेशिक समाचार दर्शन है, तो सबसे पहले आप सभी को आकाशवाणी समाचार एकांश की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खंडवा की। मीजल्स रुबेला अभियान के तहत पिछले दिनों खंड शिक्षा अधिकारियों और महिला बाल विकास विभाग के सभी परियोजना अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी कार्यशाला के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर आर्थर मेकवान ने बताया कि खंडवा जिले में मीजल्स रुबेला अभियान आगामी 15 जनवरी से 45 दिनों तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मीजल्स रुबेला वैक्सीन का टीका 9 माह से 15 वर्ष तक के 4,24,810 बच्चों को, जिसमें सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर दर्ज बच्चों को लगाया जाना है। मीजल्स एक जानलेवा बीमारी है जिसमें ग्रसित होने पर बच्चों को दस्त रोग, निमोनिया, कुपोषण और अंधापन जैसे कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। इन बीमारियों से बचने के लिए जिले के सभी बच्चों को मीजल्स रुबेला वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। रायसेन जिले में भी 15 जनवरी से 6 सप्ताह तक मीजल्स रुबेला अभियान चलाया जाएगा। ज्यादा जानकारी हमारे रायसेन संवाददाता से। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत खसरा तथा रुबेला से सुरक्षा प्रदान करने के लिए खसरा रुबेला MR का टीका जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों, आंगनवाड़ियों तथा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में 9 माह से 15 वर्ष तक के आयु के बच्चों को लगाया जाएगा। भले ही बच्चे को पहले भी MR MMR का टीका लगाया जा चुका है। खसरा रोग के निर्मूलन तथा रुबेला को नियंत्रित करने के लिए 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को यह टीका दिया जाना आवश्यक है। खसरा एक जानलेवा रोग है तथा यह वायरस द्वारा फैलता है। बच्चों में खसरे के कारण विकलांगता तथा असमय मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार रुबेला एक संक्रामक रोग है तथा यह वायरस के कारण फैलता है। इसके लक्षण खसरा रोग जैसे ही होते हैं और ये लड़के या लड़की दोनों को ही संक्रमित कर सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। अनूपपुर जिले में एक शख्स को खुदाई में कुछ सिक्के मिले। खास बात ये रही कि जिस शख्स को ये सिक्के मिले, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इसकी जानकारी पुलिस को दी। माना जा रहा है कि ये सिक्के ऐतिहासिक महत्व के हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जिले के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरिया के ऊपर टोला निवासी राधेश्याम पांडे को घर में सेप्टिक टैंक की खुदाई के दौरान 261 टक चांदी के सिक्के मिले, जिसे राधेश्याम पांडे ने कोतवाली में जमा कर ईमानदारी की मिसाल कायम की। कोतवाली प्रभारी प्रफुल्ल राय के अनुसार ये सिक्के चांदी के हैं और उनका वजन लगभग 3 किलो है। जानकारों की माने तो ये सिक्के ऐतिहासिक महत्व के हो सकते हैं। राधेश्याम पांडे और प्रतिनिधियों की माने तो ये सिक्के मुगलकालीन हो सकते हैं, क्योंकि इन सिक्कों में उर्दू या अरबी भाषा में लिपि लिखी हुई है। राधेश्याम का कहना है कि उन्हें ये सिक्के घर में सेप्टिक टैंक की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, जिसे हम अनूपपुर कोतवाली में जमा करा दिए हैं। ये सिक्के ऐतिहासिक महत्व के हैं। इन सिक्कों के मिलने और इन सिक्कों के जांच के बाद ही ये पता चल सकता है ये सिक्के कितने पुराने हैं, इनका क्या ऐतिहासिक महत्व है। पर ये बात तो तय है कि इन सिक्कों के जमीन के नीचे से मिलने पर जिले के प्राचीन इतिहास के बारे में जरूर पता चल सकता है। समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। और अब बात एक ऐसे बैंक की जहां पैसे नहीं मुस्कुराहटे मिलती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अशोकनगर जिला चिकित्सालय में एक ऐसा बैंक खोला गया है जो मुद्राओं को लेन देन नहीं करता बल्कि मुस्कुराहटे बांटता है, और यह है मुस्कुराहट उपहार बैंक। नववर्ष के उपलक्ष्य में इस बैंक का शुभारंभ अशोकनगर जिलाधीश डॉक्टर मंजू शर्मा ने किया। इस उपहार बैंक के गरीब, असहाय, बेसहारा, जरूरतमंद लोगों को तथा चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के अटेंडरों को सहायता प्रदान की जा रही है। सहायता के रूप में कपड़े, बर्तन सहित हर जरूरत का सामान उपलब्ध हो रहा है, जो दानदाताओं द्वारा स्वेच्छा से इस केंद्र में प्रदान किया गया है। अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया, जिला चिकित्सालय में मुस्कुराहट उपहार बैंक की स्थापना से हर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक अदना सा प्रयास किया जा रहा है
जो जीवन की एक छोटी सी आशा से समाज की ओर देख रहा है। इस उपहार बैंक को सभी की भागीदारी से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये उपहार बैंक जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य लोगों एवं समाज सेवियों की सहायता से संचालित हो रहा है। इस बैंक में उपहार दान करने वाले दानदाताओं की तथा दान देने वाले सामान की एंट्री रजिस्टर में की जा रही है और जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली सामग्री का इंद्राज भी रजिस्टर में किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में मरीजों के साथ आने वाले अटेंडरों को कंबलों की सुविधा भी मुस्कुराहट उपहार बैंक के द्वारा की जा रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को नए गर्म कपड़ों का वितरण भी उपहार बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। जाहिर है, जीवन में आई एक मुस्कान लोगों के जीने की राय बदल देती है। वहीं अगर कुछ देकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए तो खुदा की इबादत से कम नहीं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से मैं नीरज शुक्ला। गुना नगर अब एक नई तहसील बन गई है, इसी पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश शासन राजस्व मंत्रालय के आदेश के अनुक्रम में गुना जिले में एक और नवीन तहसील गुना नगर 1 जनवरी 2019 से सृजित हो गई है। कलेक्टर श्री भास्कर लाचाकार द्वारा इस आशय के जारी आदेश के तहत नवीन तहसील गुना नगर में 58 से 65 तक कुल 8 हलकों हिलगना, कुशमौदा, विनायक खेड़ी, गुना, सकतपुर, पिपरौदा खुर्द, नाना खेड़ी और छावनी के 19 राजस्व ग्राम को शामिल किया गया है। जिले में नवीन तहसील गुना नगर बनने के बाद तहसीलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। केंद्र सरकार द्वारा बांसवाड़ा कोटा हाईवे निर्माण को मंजूरी देने के बाद नीमच मंदसौर जिले से निकलने वाले नेशनल हाईवे की तैयारियां चल रही हैं। यह हाईवे नीमच जिले के मनासा और जावत के गांव से होकर निकलेगा, बता रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा बांसवाड़ा कोटा हाईवे निर्माण को मंजूरी देने के बाद नीमच मंदसौर जिले से निकलने वाले नेशनल हाईवे की तैयारियां चल रही है। ये हाईवे नीमच जिले के मनासा व जावत के गांव से होकर निकलेगा। लोक निर्माण विभाग ने हाईवे निर्माण में आने वाले व प्रभावित होने वाले गांवों की सूची बनाई है। इसमें मनासा तहसील के 23 और जावत तहसील के 29 गांव शामिल है। हाईवे का नक्शा भी तैयार हो रहा है और केंद्र सरकार नेशनल हाईवे के लिए इस साल बजट में राशि जारी कर सकती है। 183 किलोमीटर लंबे कोटा बांसवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश से होकर गुजर रहा है। इसमें मंदसौर व नीमच जिले का 115 तथा 68 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। इस तरह नेशनल हाईवे का फायदा नीमच और मंदसौर संसदीय क्षेत्र की मंदसौर, मल्हारगढ़, मनासा व जावत विधानसभा को मिलेगा। यह मंदसौर, मनासा, रतनगढ़, सिंगोली होते हुए कोटा तक जाएगा। इसका मनासा रोड वाला हिस्सा बर्डिया गांव से बाईपास होगा और सांडिया रोड होते हुए अल्हेड़ फंटे पर निकलेगा। अल्हेड़ रोड से मोरवन, रतनगढ़ होते हुए कोटा से जुड़ेगा। पटवारी की हल्का रिपोर्ट PWD भोपाल को भेज दी गई है। इस हाईवे के बनने से क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। ग्वालियर में हर साल लगने वाला व्यापार मेला कल से शुरू हो गया है, अधिक जानकारी हमारे ग्वालियर संवाददाता से। ग्वालियर में हर वर्ष लगने वाले श्रीमंत माधवराव सिंधिया ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेले का रविवार को शुभारम्भ हुआ। मेले का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। अध्यक्षता ग्वालियर पूर्व क्षेत्र के विधायक मुन्नालाल गोयल ने की। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और महापौर विवेक नारायण शिजवलकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मेले के फैसिलिटेशन सेंटर में शुभारंभ अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों के रोड टैक्स पर 50% की छूट प्रदान की गई है। इससे ग्वालियर मेले में आकर्षण बढ़ेगा। श्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के ऐतिहासिक मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हम सबको विशेष प्रयास करना होंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं संभागीय आयुक्त BM शर्मा ने कहा कि इस वर्ष मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी भव्यता प्रदान की गई है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए कैलेंडर का ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा विमोचन भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में भजन संध्या, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, मुशायरा, काइट फेस्टिवल, सारा खान, शुभांगी अत्रे और कुमार विश्वास की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होंगी।
ग्वालियर व्यापार मेले में दो इंटरनेशनल फैशन शो का आयोजन फरवरी के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी कलाकारों का फायर शो और रासलीला मेले में सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। शिवपुरी में पिछले दिनों पहली बार राष्ट्रीय शालेय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। इस प्रतियोगिता में देश भर की 25 राज्यों की टीमों ने शिरकत की। रविवार को इस प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले खेले गए। इसमें बालिका वर्ग में हिमाचल की बेटियों ने फाइनल जीतकर हैंडबॉल के राष्ट्रीय खिताब पर अपना कब्जा जमाया, जबकि बालक वर्ग में मध्य प्रदेश की टीम ने परचम फहराते हुए खिताब पर कब्जा किया। पोलो ग्राउंड मैदान पर समापन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। सांसद सिंधिया ने प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में प्रथम आने वाली हिमाचल प्रदेश सहित उप विजेता विद्या भारती व तृतीय स्थान पर रहने वाली दिल्ली की टीम को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर आने वाली मध्य प्रदेश सहित उप विजेता दिल्ली व तृतीय स्थान हासिल करने वाले गुजरात के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से कहा कि यह गौरव की बात है कि शिवपुरी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसी चीज है जो विश्व को एक परिवार बनाती है। खिलाड़ी जीवन में भी खेल भावना को अपनाएं। उन्होंने देश भर से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। और अब बात मौसम की। आज सुबह से ही राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जगहों पर कोहरा छाया रहा। उत्तर भारत में चल रही ठंड का असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के अनेक स्थानों पर कोहरे के चलते ठंड के तेवर फिर से तल्ख हो गए। इस बीच राजधानी भोपाल में 3 डिग्री तक पारा लुढ़का, वहीं प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हुई बारिश के चलते प्रदेश के मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है। हालांकि कल रात में रीवा और जबलपुर संभागों के कुछ स्थानों में अचानक मौसम बदल गया और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। सुबह सुबह प्रदेश के उत्तर इलाकों के साथ पूर्वोत्तर के अनेक हिस्सों के अलावा भोपाल और इंदौर संभाग में कहीं कहीं कोहरा देखा गया, जिसके चलते ठंड के तेवर बदल गए। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक अभी मौसम इसी तरह का बना रहेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मैं दीपा सिंह। सतना जिले में कल कई जगह बूंदाबांदी होने से मौसम ज्यादा ठंडा हो गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में तापमान में गिरावट के आने और शीत लहर के कारण जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज आसमान में धुंध और बादल छाए होने के कारण धूप भी नहीं निकली है। तापमान में गिरावट आने से रबी फसलों में पाला लगने की भी आशंका भी बढ़ गई है। संबंधित विभाग ने किसानों को पाला से बचाव के लिए फसल में स्प्रिंकलर से सिंचाई करने, उर्वरकों रसायनों का छिड़काव करने और मेड़ों पर धुआं करने आदि की सलाह दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी को ठंड से बचाव की अपील की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन परितोष दीक्षित और दीपा सिंह, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।